मेहरीन इस बात पर खुश हो रही होगी कि आखिरकार इसकी और शामिर की मंगनी की रस्म होने वाली है, मगर इसे ये नहीं मालूम कि शामिर इसे इनकार कर देगा तो मेहरीन के पापा को बहुत गुस्सा आ जाएगा। लेकिन शामिर यहाँ पर सारे मामले को भी संभाल लेगा। शामिर के वालिद कहेंगे जो कुछ करना है वो अपनी मर्जी से करे। शामिर फजल बश बनकर शिब्रा के घर आएगा। इसकी शरारतें एक दफ़ा फिर शुरू हो जाएंगी। शिब्रा भी अब आहिस्ता आहिस्ता फजल बश के करीब होती जा रही है। इसे लगता है फजल बख्श बहुत ही काम का आदमी है। जिस तरह सुकेना के मामले को हल किया इसके बाद वो इस घर में सबकी आंखों का तारा बन चुका है। शिब्रा जो इससे बहुत ज़्यादा जेलिस रहा करती थी अब वो भी इससे दोस्ती करने पर मजबूर हो चुकी है, और यही कुछ शामिर चाहता था। और इस घर के जितने भी फर्द हैं इन सब का दिल जीत ले, और इसने ऐसा कर भी दिखाया। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, शिब्रा और शामिर की शादी हो सकेगी या फिर सलमान साहब और शिब्रा को ये मालूम होगा कि वो फजल बख्श नहीं शामिर है तो क्या इस रिश्ते से इनकार कर देंगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।